में हमने देखा था कि जो भी डेसिमल नंबर हो उसको आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट सकते कर सकते हो, ठीक है? तो कैसे करते थे हम? अगर चलो ठीक है, मैं एक देती हूँ आपको, चैट बॉक्स में देखना सब लोग। अगर मेरा 45 है जिसका बेस 10 है, बेस 10 मतलब कैसा नंबर हुआ वो? बेस 10 मतलब कैसा नंबर हुआ? डिसेबल यस, डेसिमल। बेस 8 यानी कि कौन सा नंबर हुआ? लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ना, अगर बेस 8 है जैसे नंबर, ऑक्टल नंबर यस। ऑक्टल फिर ऑक्टल 16 यानी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ओके, हेक्साडेसिमल एंड 2 यानी बाइनरी, ठीक है? तो ये मेरा, मैंने चैट बॉक्स में डाला है नंबर, देखो ये मेरा नंबर है 45 जो डेसिमल है, उसका बाइनरी क्या आएगा वो फटाफट से करके मुझे बताओ। लास्ट टाइम सिखाया था ना मैंने कैसे करना है, सो जिसको भी आता है नो प्रॉब्लम, नहीं आता है तो मैं फिर से एक बार बता दूंगी, लेकिन जिसको आता है वो 45 को बाइनरी में कन्वर्ट करके क्या रिजल्ट आएगा वो मुझे बताना। यस, राइट आंसर है 101101, ठीक है? अभी हम क्या देखेंगे कि मैं, मुझे ये नंबर दिया, बस बस आ गए, इट्स ओके, बस अभी मत डालना आंसर। देखो अभी मेरे पास ऐसा नंबर दिया है, चलो क्या 101101, ठीक है, जो कि मेरा बाइनरी नंबर है, उसको अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट, बस अभी मत, बस मत रखो अभी चैट में आंसर, हो गया। तो उसको अगर ये बाइनरी नंबर दिया गया है, उसको अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या प्रोसीजर होती है वो मैं आपको सिखाती हूं। क्या करना है आपको, ऐसे लिखते जाना है, एंड से लिखते जाना है, ठीक है? क्या करेंगे हम, देखो पहले 0 1 2 ऐसे पोजीशन काउंट करो, 0 1 2 3 4 5, ठीक है? तो मैं कैसे लिखूंगी, 5 डिजिट्स है तो मैं देखो कैसे लिखूंगी। 1, लास्ट से मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ, 1 × 2⁰, ठीक है? 2⁰ लिखना है अभी। क्या मेरे पास ऐसा कोई मीडियम नहीं है कि मैं आपको दिखा पाऊँ? वेट, मैं आपके साथ वर्ड की स्क्रीन शेयर करके उसमें दिखाती हूँ। ये देखो मेरा नंबर था 101101, जो किसमें था, बाइनरी में था, ठीक है? उसको मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। सबको दिख रहा है ना, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस यस मैम ओके, तो यस मैम ये पर्टिकुलर बाइनरी नंबर है, उसको मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो क्या करना है मुझे, यहाँ लास्ट से आप स्टार्ट करो, ठीक है? क्या करना है, 1, देखो ये लास्ट से स्टार्ट करना है, ये नंबर है पूरा, उसके एंड से आपको स्टार्ट करना है। क्या करना है, 1 × 2⁰,
जीरो इंटू टू रेस टू वन, पावर बढ़ाते जाने हैं हर एक डिजिट के साथ, ठीक है, वन इंटू टू रेस टू टू, जीरो इंटू टू रेस टू थ्री, वन इंटू टू रेस टू फोर, तो हमारा फाइव डिजिट का नंबर था, ठीक है। तो देखो पावर, देखो आपको आप जीरो वन टू थ्री फोर हो गए फाइव नंबर। तो क्या करना है आपको, जब भी कोई भी मुझे दिया गया है बाइनरी नंबर, तो आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट से टू रेस टू जीरो से स्टार्ट करना है, मल्टीप्लाई करना और यहां तक जाना है, और बाद में उन सब का क्या करना है, एडिशन करना है, ठीक है। एक बार फिर से, ये पूरा नंबर था मेरे पास, ठीक है, क्या करना है, लास्ट डिजिट है उसके अंदर टू के टू से टू रेस टू जीरो से स्टार्ट करना है, इंटू करना, राइट, मल्टीप्लाई करना, स्टार्ट करना है। तो मैंने क्या लिखा, पहले लिख लेना है वन इंटू टू रेस टू जीरो, जीरो इंटू टू रेस टू वन, वन इंटू टू रेस टू टू, एक एक पावर बढ़ाती जानी है हर एक डिजिट के साथ, जीरो इंटू टू रेस टू थ्री एंड वन इंटू टू रेस टू फोर। क्या आएगा यहाँ पे, वन, ठीक है, जीरो को कोई भी साथ मल्टीप्लाई करो तो जीरो, टू रेस टू टू यानी फोर, फोर इंटू वन इज वन, टू रेस टू थ्री यानी क्या आएगा, कुछ भी आए लेकिन जीरो है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, एंड टू रेस टू फोर्टीन इक्वल टू सिक्सटीन, तो यहाँ पे लिख लिया। फिर हमें क्या करना है, इन सब का एडिशन परफॉर्म करना है, सो क्या आएगा एडिशन, सिक्सटीन प्लस फोर ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन, ठीक है। तो ये है पूरी प्रोसीजर, जब भी आपको बाइनरी नंबर में से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी मैं चलो एक नंबर देती हूँ आपको कि आप क्या करना, 21 नंबर है उसको कन्वर्ट करना ऑक्टल में, 21 को ऑक्टल में कन्वर्ट करके देखो कि क्या आंसर आता है आपका। एक काम करो, सबसे पहले है ना, आप जो भी नंबर है ना उसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, सबसे पहले ऐसा करो, उसके बाद हम देखेंगे कि डायरेक्ट ऑक्टल ऑक्टल टू बाइनरी अभी से मत करो, चलो जाने दो। क्या करो, सबसे पहले आप ऐसा करो कि जो भी आपका नंबर है ऑक्टल नंबर उसको डेसिमल में पहले कन्वर्ट करो, चलो। जैसे ही आप डेसिमल आप कैसे करते हो, जब भी कोई भी डेसिमल नंबर दिया जाता है, ठीक है, तो आप कैसे करते हो कन्वर्ट, थोड़ा टफ लग रहा है? यस मैम।
ओके चलो एक मिनट, एक काम करते देखो। सबसे पहले हमने क्या किया था, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन परफॉर्म किया था, ठीक है। तो डेसिमल टू बाइनरी में हम क्या करते थे, जो भी नंबर दिया गया है उसको टू से, जैसे हम एलसीएम लेते हैं ऐसे प्रोसेस करते थे, वो तो सबको आता है डेसिमल टू बाइनरी, है ना। तो उसी तरीके से एक काम करो, चलो मैंने आपको नंबर दिया है 21, चैट में देखना 21 नंबर दिया है जो कि डेसिमल में है, ठीक है। तो अभी आप उसको सिर्फ ऑक्टल में कन्वर्ट करके दो, कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप डेसिमल को बाइनरी में करते थे, अभी उसकी जगह पे डेसिमल टू ऑक्टल यानी कि बेस 8 चाहिए, तो ये करके दो, इतना ट्राई करोगे ना। यस मैम। ओके Yes, very good. 25 is the answer. जिसका भी 25 आया है वो सही है। ओके गुड, वेरी गुड। तो अभी ये तो आपको आ गया कि भाई डेसिमल टू ऑक्टल कैसे करना है, ठीक है। अभी जब हमने ऐसा किया कि डेसिमल टू बाइनरी, फिर हमने क्या सीखा, बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। अभी डेसिमल टू ऑक्टल आपको आ गया कि भाई डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। अभी उल्टा करके देखो, ऑक्टल नंबर है मेरा उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देखो कैसे करेंगे। हमने क्या किया था, जब भी बाइनरी टू ऑक्टल करना था, ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल मुझे जब भी करना था, तो मैं क्या करती थी, उल्टा नंबर लेके उसमें 2 raise to 0 से स्टार्ट करती थी और नंबर के स्टार्टिंग में जाती थी, ठीक है। अभी देखो आपका क्या आया, ये 25 ऑक्टल नंबर आया, ठीक है। अभी ये 25 ऑक्टल नंबर को आप कन्वर्ट करो इन डेसिमल, कैसे करोगे, 5 से स्टार्ट करना है और 2 तक जाना है, और क्या लेना है वो आपको पता है, ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल सबको समझ में आया, पहले ये बताओ जो बाइनरी टू डेसिमल, एक बार स्क्रीन में दिखा दो ना। हाँ देखो, ये हमने लिया था बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। एग्जैक्टली आपको यही करना है ऑक्टल टू डेसिमल में, लेकिन यहाँ 2 की जगह पे आपको क्या लेना है, ऑक्टल का बेस क्या होता है, 8 होता है, तो आपको 2 के जगह पे 8 लेना है, 1 एंड द सेम थिंग, ठीक है। अभी समझ में आएगा, yes, ma'am. है ना। ओके तो yes, ma'am. मेरा नंबर है यहाँ पे 25, जो ऑक्टल नंबर है उसको आप कन्वर्ट करो डेसिमल में, तो क्या आंसर आएगा। यस, प्रोसीजर सही की है आपने, ठीक है। क्या करना है आपको,
225 है तो 5 × 8⁻⁰ प्लस 2 × 8⁻⁰ यानी कि 16 + 5 दैट इज 21। समझ में आ गया ये? यस मैम। ओके तो अभी मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूं। वेट, ओके ओके चलो चैट बॉक्स से देखना। मैंने आपको नंबर दिया है 427। चैट बॉक्स में देखो, ये 427 है वो है मेरा डेसिमल में, ठीक है? उसको आपको कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी दैट इज बेस 2। आएगा आपको? इट्स वेरी इजी, ट्राई करके देखो। मैम बाद में आप वो एक्सप्लेन करोगे क्योंकि मैं एब्सेंट थी तो मुझे नहीं पता है। हाँ ठीक है, मैं करूंगी, लेकिन अभी भी मैंने किया ना, आपने ध्यान दिया होता तो आपको समझ आ जाता। आज भी सेम वे ही मैंने किया था, मैं करूंगी फिर से भी, डोंट वरी। बाइनरी में नहीं करना है, सॉरी, 427 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल है तो क्या लोगे आप? बाइनरी के लिए 2, ऑक्टल के लिए 8, तो अभी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको 16 लेना है। प्रोसीजर सेम है, ठीक है? सिर्फ 2 और 8 की जगह पे आप लोगे 16। ओके नाउ ट्राई करो। હેલો મેમ, તમે બુકમાં સમજાવી શકશો? ઓરલી નહીં ખબર પડતી. યસ મેમ. હા મેમ. હા મેમ. યસ નહીં સમજણ પડતી કહીશ. ગયા લેક્ચરમાં તો બધા હાય હા કરતા હતા ત્યારે જ કહેવાય ને મેમ સ્ક્રીન, જે જ્યારે ભી તમને પ્રોબ્લેમ હોય ત્યારે તમારે ત્યારે જ કહી દેવાય, તો તમને ત્યારે ખબર ના પડી. અત્યારે મેથડ બધી મિક્સ થઈ જાય છે એટલે થોડો ડિફરન્સ બુક માં ખબર પડી જાય. હા પણ એ તો, અને મેમ આમાં સ્ક્રીન માં મેમ સમજાતું નથી, તમે બુક માં લખીને સમજાવો ને તો એ વધારે ઈઝી પડે. હા બકા, પણ અત્યારે જ્યાં સુધી ઓનલાઈન છે ત્યાં સુધી તો આપણી પાસે એક જ વે છે સ્ક્રીન શેર કરવાનો, બરાબર? તો મેં એ તમારી સાથે શેર કરી. હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ જો હજી ભી આપણો ઓનલાઈન લેક્ચર હશે, એ મને નથી ખબર, એ તમારે વિકાસ સરને પૂછવાનું. પણ હવે જો આપણું ઓનલાઈન જ રહ્યું, સપોઝ એવું લાગે છે કે ચલો ઓનલાઈન જ છે, તો પછી હું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં શું કરીશ કે બધા બુકમાં સમ લખીને અને એના ફોટા શેર કરીશ. એનાથી વધારે તો હું કંઈ જ નહીં કરી શકું. ખબર પડી તમને હું શું કહેવા માંગુ છું? કેમ કે
એવું નથી કે બધાને ખબર નથી પડતી. 60% સ્ટુડન્ટ મને આન્સર કર્યા છે જે સાચા છે. નો ડાઉટ, ઘણા લોકોને ઓનલાઈન ની ટેવ હોય, ઘણા લોકો ના હોય, એટલે એમાં કોઈ ડાઉટ કરવાની જરૂર નથી મારે. પણ હું બેસ્ટ ટ્રાય કરીશ કે તમને ખબર પડે, બરાબર. જો ના પડે, હું નેક્સ્ટ ટાઈમ હજી એવો ટ્રાય કરીશ કે બુકમાં બધા સમ કરીશ, એનો ફોટો પાડીને હું તમારી જોડે શેર કરીશ. પછી બી ના થાય વર્કઆઉટ તો જોઈએ, પણ લગભગ તમારું ઓફલાઈન સ્ટાર્ટ થવું જોઈએ. હવે તમે સરને પૂછો ને, તમને આઈડિયા આવશે કે શું છે. પણ એવું નથી ને કે બધાને નથી પડતી. થોડા ઘણા લોકો તો છે ને કે જેને ખબર પડે છે કે કેવી પ્રોસીજર છે આપણી. મેમ મિક્સિંગ થઈ જાય. આ મેમ બધી બધા મિક્સ થઈ જાય છે ને, એટલે મેમ પછી ટોટલ મિક્સ થઈ જાય છે. જો સૌથી પહેલા તમે છે ને એક એક પહેલા વસ્તુ મગજમાં બેસાડી દો. હવે તમે ગ્રેજ્યુએશનમાં આવ્યા, ધેટ ટુ ઇન બીસીએ, બરાબર. તો તમારે શું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે જો ભી આપકા લોજ, સોરી મેં હિન્દી મેં બોલુંગી, અભી જો ભી આપકો લોજિક હૈ વો ધ્યાન રખના હૈ. દેખો ડેસિમલ નંબર કોમન હૈ સબ મે, ઠીક હૈ. મેને અભી તક બોલા કે ભાઈ ડેસિમલ ટુ બાઇનરી કરો, ડેસિમલ ટુ ઓક્ટલ કરો, ડેસિમલ ટુ હેક્સાડેસિમલ કરો, ઠીક હૈ. અભી આપકો યે યાદ રખના હૈ કે ભાઈ ચલો મુજે બાઇનરી બોલા ગયા હૈ તો ઉસકા બેઝ ક્યાં હોતા હૈ વો સબકો પતા હૈ, વો મેને અચ્છે સે એક્સપ્લેન કિયા થા. બાઇનરી કા બેઝ ક્યાં હોતા હૈ, બાઇનરી નંબર કા બેઝ 2 2 બરાબર. તો આપકો પતા હૈ કે જબ ભી 27 કો મુજે બાઇનરી મે કન્વર્ટ કરના હૈ તો મુજે એલસીએમ લેના કેસે સ્ટાર્ટ કરના હૈ, 2 સે સ્ટાર્ટ કરના હૈ, ઠીક હૈ. જબ ભી મુજે ડેસિમલ કો ઓક્ટલ મે કન્વર્ટ કરના હૈ તો ઓક્ટલ કા ક્યાં બેઝ હૈ, 8 તો આપકો ક્યાં કરના હૈ, કોઈ ભી ડેસિમલ નંબર હૈ ઉસકો 8 સે એલસીએમ લેના હૈ. અભી હેક્સાડેસિમલ મે કન્વર્ટ કરના હૈ, ઠીક હૈ. તો હેક્સાડેસિમલ કા બેઝ ક્યાં હૈ, 16, ઠીક હૈ. તો આપકો કોઈ ભી પર્ટિક્યુલર નંબર હૈ વો 16 સે કરના હૈ. તો આપકો એક દિમાગ મે બાત બિઠા દેની હૈ કે બાઇનરી કા બેઝ 2 હૈ, ઓક્ટલ કા બેઝ 8 હૈ, ઓર હેક્સાડેસિમલ કા બેઝ હૈ 16, રાઈટ. તો જબ ભી ભી આપકો કોઈ ભી મેથડ મે કન્વર્ટ કરને કા બોલે કે ભાઈ ચલો ડેસિમલ નંબર યે હૈ મેરા, ઉસમે સે મુજે બાઇનરી મે કન્વર્ટ કરકે દો. અગર આપકો બેઝ પતા હૈ તો આપ ઇઝીલી એલસીએમ નિકાલ પાઓગે, ઠીક હૈ. ઉસી તરીકે સે ઓક્ટલ મે ભી આપ 8 સે ઇઝીલી નંબર નિકાલ પાઓગે, ઠીક હૈ. આપ ચિંતા મત કરો, અભી જો ભી ચલ રહા હૈ વો વાપસ સે ઓફલાઈન મે પઢાને કા હી હૈ. બેઝિકલી યે આપકો મેને જસ્ટ સ્ટાર્ટ કિયા હૈ, યે એસા નહી હૈ કે યે આપકા દૂસરી બાર નહી હોગા, ઠીક હૈ. ઓફલાઈન મે તો મે આપકો પઢાને હી વાલી હું ફિર સે. હા બોલો બોલો બોલો. મેમ વિકાસ સર કા નંબર ચેટ બોક્સ મે લખો ના. નહીં, નંબર મે નહી દે સકતી કિસી ભી ફેકલ્ટી કા. આપકો કોલેજ મે કોન્ટેક્ટ કરના પડેગા. કોલેજ મે કોન્ટેક્ટ કરકે આપ નંબર લો. મેરે પાસ ઓથોરિટી નહીં હોતી કે મેં કિસી ભી ફેકલ્ટી કા નંબર આપકે સાથ શેર કર પાઉં, ઠીક હૈ. લેકિન આપકો સિર્ફ અભી બેઝિક નંબર સિસ્ટમ સમજની હૈ, વો તો સમજ મે આતી હૈ ના કે બાઇનરી ક્યાં હૈ, ઓક્ટલ ક્યાં હૈ, ડેસિમલ ક્યાં હૈ, હેક્સાડેસિમલ ક્યાં હૈ, વો સમજ મે આયા ના આપકો, ઠીક હૈ. તો બાકી સબ છોડ દો, બાકી સબ કા ટેન્શન મત લો, યે સબ આપકો દૂસરી બાર મે કરવાઉંગી. અભી ઓકે અભી તો દેખો મુજે નહીં પઢાના થા યે સબ ચીઝે, લેકિન મેને એસા સોચા કે લેક્ચર એસે કુછ ભી બાત કરને સે અચ્છા હૈ કે મેં આપકો થોડા બહોત ઓવરવ્યૂ દુ, ઠીક હૈ. બાકી યે સબ તો આપકો દૂસરી બાર પઢાને હી વાલી હું, સો બિલકુલ ટેન્શન મત લો. જબ ભી ઓફલાઈન હોગા હમ ફિર સે યે સારી ચીઝ સ્ટાર્ટ કરેંગે, ઓર અગર ઓનલાઈન હી રહેતા હૈ તો ભી આપ ટેન્શન મત લો, મેં મેરા બેસ્ટ ટ્રાય કરુંગી. ક્યોંકિ યે સબ્જેક્ટ મેને આગે કે સેમેસ્ટર મે ભી પઢાયા હૈ તો મુજે પતા હૈ કે ઓનલાઈન આપકો કૈસે સમજ મે આયેગા, તો ઉસકા ભી ટેન્શન મત લો. જબ ભી એક બાર સબ રેગ્યુલર હો જાયેગા તો આપકા ક્લાસરૂમ બનેગા ગૂગલ કા, ઉસમે મેં સારી નોટ્સ ભી ઇતની અચ્છી તરીકે સે ડાલુંગી કે આપકો બિલકુલ ભી પ્રોબ્લેમ નહીં હોગી, સારી કન્ફ્યુઝન આપકી દૂર હો જાયેગી, ઠીક હૈ. અભી કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં હૈ ના આપકો, બસ. તો ટેન્શન મત લો, અગર ઓફલાઈન હોતા હૈ તો કોઈ ટેન્શન હી નહીં હૈ, અગર ઓનલાઈન હી રહેતા હૈ તો મેં સારી નોટ્સ અચ્છે સે બના કે ક્લાસરૂમ મેં ડાલ દુંગી, ઓકે ઓકે મેમ.
ठीक है, तो अभी आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। आप लोग अटेंडेंस नंबर लिखते हो, आगे के लेक्चर में क्या किया Google था फॉर्म, गूगल फॉर्म था Google वो form. मुझे नहीं पता है, तो Google इसमें एक काम करो, इसमें नेम लिख देते हैं। नहीं नेम मत लिखो, नेम तो दो भी हो सकते हैं ना इसमें, इतने सारे लोगों में से ले लो ना, सरनेम थोड़ी नहीं दो हो सकती है। अरे भाई मैं ढूंढने थोड़ी बैठूंगी, मैम को सिखा रहे हो आप लोग, मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है ना आपसे, मुझे मत सिखा। सॉरी, सॉरी। या तो रोल नंबर डालो, जो रोल नंबर का जो लास्ट 4 डिजिट है ना वो डाल दो। रोल नंबर नहीं, रोल नंबर नहीं दिए। ठीक है तो रेज हैंड कर दो, चलेगा, मैं नोट कर देती हूँ। ओके थैंक यू मैम।